किसान भाइयों नमस्कार जैसा कि आप ये धान देख पा रहे हैं ये धान जो है राशि कंपनी का अन्नम धान लगा हुआ है और एक फार्मर हैं विजय कुमार जी जिन्होंने ये धान लगाया है तो आज हम इस धान में देखेंगे कि कितने कल्ले हैं और ब्यास आप देख ही रहे हो धान में कैसा ब्यास है क्योंकि अन्नम की एक खास बात है जितने कल्ले आएंगे उतनी बालियाँ आएँगी और सेम आएंगी उससे क्या होगा आपका उत्पादन ज़्यादा होगा तो सबसे पहले मैं विजय ये विजय कुमार जी हैं तो विजय कुमार जी अपना नाम और गांव और जिला बता दीजिए जी मेरा नाम विजय कुमार है मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के मक्कनपुर गांव में रहता हूं जी जी और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा खेत जी जी ये मैंने अन्नम लगाया हुआ तो है। अभी अभी जैसा कि हमने इसमें आपको पंद्रह से सोलह किले बताए थे ठीक है अब आप एक कोई भी पौधा ले लीजिए जरा किले गिनिए देखते हैं कितने किले जो है हाँ आपके धान में है देख सकते हैं ये आप इसकी हाँ अब ये जी 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 ब्यास देख रहे ना अच्छा ब्यास है एक, दो, दो तीन चार पाँच छत सात आठ आठ नौ नौ दस दस ग्यारह ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस अब तेईस किले हैं किसान भाइयों हम तो मीटिंग में वही बारह से पंद्रह किले ही बताते लेकिन अभी अगर देखा जाए तेईस से भी ज्यादा किले कुछ पौधों में निकलेंगे तो तेईस किले अगर अन्नम में निकल रहे हैं किसान भाइयों तो इसमें तेईस किले और तेईस ही बालियाँ आएंगी और सेम बालियां आएंगी हाँ 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 यस 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 तो ये आप देख सकते हो बहुत अच्छा प्लाट है अगर बात करें इसमें आपने क्या क्या अभी तक खाद पानी दिया है अभी मैंने इस खेत में एक शक्तिमान कंपनी का ऊर्जा आता है जी 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 मैंने ऊर्जा डाली हूँ जी जी और मैंने इसको मात्र पंद्रह किलो खाद दिया है अच्छा अच्छा मात्र इसमें पंद्रह किलो खाद डाली गई है जी। और दूसरा कौन उर्वरक बताया ये ऊर्जा आता है माइक्रो न्यूट्रिय जी जी शक्तिमान कंपनी का जी जो मैंने डाला हुआ है अच्छा बाकी अच्छा भी इसमें कोई चीज नहीं पड़ी है बाकी जैसे पिप्रोन वगैरह डाल दिए थे जी जी तो वो एक अलग की बात है और खरपतवार के लिए भी कुछ डाले हैं क्या इसमें खरपतवार के लिए मैंने इसमें ये आदा, जो कंपनी का साता है जी 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 बिस्पायरी मैंने इसका यूज़ किया है जी जी अडामा कंपनी का जो नरगिस आता है बहुत अच्छा जो है इसमें यूज नहीं किया है जी जी रहे हैं की जिस तरह का फसल आपको जी 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 दिख रहा है जी जी तो इसमें देखा जाए किसान भाइयों तो जो है कोई विशेष उर्वरक भी नहीं डाला गया है सिर्फ यूरिया और विस्पायरी खरपतवार के लिए इसमें इस्तेमाल की गई है और बहुत ही अच्छा प्लाट है तो किसान भाइयों आगे मैं आपको भी दिखाऊंगा कि जो है ब्यास धान का ब्यास भी अच्छा ले रहा है और यहाँ पे पानी की भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं है इसमें पानी भी आप कम दे पाए होंगे सिर्फ एक, एक पानी का ये धान लगा हुआ है आप सोच सकते हो के बाद एक जी 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 ये जो है धान जब से रोपाई किया है इन्होंने इसमें सिर्फ एक पानी लगाया है आप सोच सकते हो एक पानी के धान मतलब एक पानी में धान है इस तरीके का खड़ा हुआ है अगर इसमें वही अच्छे से उर्वरक सारी दी गई होती टाइम से और पानी लगाए गए होते तो इससे भी अच्छा हो सकता था पच्चीस से तीस किले तक जो है अन्नम में चले आ सकते हैं लेकिन उसमें क्या है आपको टाइम टाइम पे उर्वरक पानी सब कुछ देना पड़ेगा तभी जो है हो पाएगा वो तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख रहे हैं अन्नम बहुत ही अच्छा प्लाट ये इसमें देखिए इसमें सिर्फ एक पानी का लगा हुआ है ये तो किसान भाइयों अगर वीडियो भाई पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ मिलूंगा किसान भाइयों एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसान